यहाँ पे पता नहीं क्या गाना गा रहे हैं क्या यार, तो ब्लॉग में आना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अभि और आप देख रहे हैं आपका मेरा सबका चैनल अभि कात्रे रॉयल राइडर इटानगर। तो आज मैं आपको इटानगर के सबसे फेमस स्पॉट जो कि बहुत ही जाना माना स्पॉट है, तो मैं वहाँ में आपको आज उसका एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में कुछ कुछ जानकारी जानते। तो मैं अभी यहाँ फ़िलहाल स्कूल आया था कि यहाँ से निकल रहा हूँ। अगर आपको रास्ते में मोटो ब्लॉगिंग करने का चांस मिला तो मैं करूँगा, और नहीं तो वहाँ जाके आपको मिलता हूँ। तो आप बने रहना और मेरे साथ ही रहना और मेरे साथ ही नज़ारे का आनंद लेना। तो मैं, ये मेरा स्कूल है जो पीछे में, जो कि अभी मैं नहीं दिखाने वाला, कभी दिन इसका भी हम लोग टूर करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप बाई चांस भी आ जाते हैं यहाँ पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये मेरा नया नया चैनल और मैं अभी थोड़ा उठ ही रहा हूँ और मुझे ब्लॉगिंग का ना आइडिया भी नहीं, पर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और आज मैं कैप पहना हूँ। अगर आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, आजकल बंद रहता है वो, पता नहीं क्यों बंद किया, कभी दिन खुलेगा। तो ये है आपका जानकारी। तो फिर आप वहाँ जाके मिलते और बाकी सब जो डिटेल होता है ना यहाँ पहुँचने का, तो वो तो आप लोग तो बहुत ही स्मार्ट है, जान ही लेंगे कि कैसे आना है। तो फिर वहाँ जाके मिलते और वहाँ का नज़ारा को एंजॉय करते। तब तक आप बने रहे। हे गाइस, हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझे वहाँ से आने में जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से 7 किलोमीटर है, तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और यहाँ पे आके मुझे इतनी सुकून, मैं सबसे पहला आया यहाँ, मैं अभी तक कोई आया ही नहीं था, मैं सुबह जल्दी निकल गया था। तो मैं अब यहाँ पहुँच चुका हूँ, उसके बाद अब मेरे साथ आप इस इन नज़ारों का आनंद लें। इन नज़ारों में इसके साथ जुड़ा हुआ एक, ये है गंगा लेक जिसे हम सिंह, वेलकम टू लेक गंगा गियाकर। इंटरेस्टिंग है, तो चलते चलते सुनेंगे फिर कि एक दिन ताई विदा शिकार के लिए निकले। तो शिकार ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी अंदर जंगल तक आ गए थे, तो उन्हें वहाँ पे एक मिथुन मिला। मिथुन जो कि स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ के निवासी जो होते हैं मिथुन को बहुत ही इम्पोर्टेंट देते हैं और वो उनों के लिए खास मायने रखता है। पक्षियों की चहचहाट और मेरी आवाज़ें सुनाई दे रही है क्योंकि मैं सबसे पहले आया है ना, तो फ़िलहाल मैं ही हूँ फ़िलहाल यहाँ पे। वैसे ये बहुत ही, अगर आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उनको वक्त देना चाहते हैं, तो ये प्लेस जो सबसे मज़ेदार जगह है। तो अगर आपको यहाँ आना है, अगर से यहाँ 7 किलोमीटर होता है, पर अगर गूगल सर्च करने से वहाँ 6 किलोमीटर लिखा था, पर यहाँ आके जब बोर्ड में देखा तो 7 किलोमीटर था। तो फिर
आगे की कहानी सुनते हैं। तो ताई विदा जब जंगल पहुँचे और वहाँ पे उन्हें एक मिथुन मिला। तो मिथुन ऐसे भी जंगल में ही घूमते रहता है। तो मिथुन उस टाइम की बात है, मिथुन ऐसे भी किसी का नहीं होता है, तो वो तो क्योंकि फ्रीली घूमने वाला जानवर है। अब लेकिन अलग सिचुएशन है, अब भी ऐसे तो पाल के नहीं रखता है क्योंकि ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, बट उन्हें नमक खिलाया जाता है क्योंकि नमक उसे बहुत पसंद है मिथुन को। ऐसे करके उन लोग अपने मिथुन को पहचान ही लेते। तो फिर आके कहानी में आगे बढ़ते, तो ताई विदा ने जब मिथुन को मिला तो वो उनको उसको घर लेके आए। और वो ऐसा वैसा मिथुन नहीं था, वो बहुत स्पेशल मिथुन था, वो मतलब खास मिथुन था। तब जब उसने उसको पाला तो फिर जब उनके बच्चे हुए तो एक बार में 100 बच्चे दिए। तो ताई विदा तो खुश क्योंकि उन्हें ऐसा मिथुन अभी तक मिला नहीं था। और ऐसे करते करते उनके 1000 बच्चे हो गए और गांव में वो काफ़ी पॉपुलर भी हो गए और बहुत ही अमीर बन गए। तो फिर आगे सुनते हैं। पूरा ग्रीनरी मतलब पेड़ पौधे बहुत ही मनमोहक जगह। और ये कहीं से पानी, कहीं का नदी का पानी, कहीं का पानी नहीं आता। ये पहले से जो कहानी में थोड़ा सा मिलता है मैथोलॉजिकल कहानी में, तो ये पोमा साइड तरफ पड़ता है जो ईटानगर से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर आगे चलते हैं क्योंकि वहाँ में स्पोर्ट है, वहाँ पे बोटिंग करते, पर आजकल बोटिंग वहाँ पे नहीं। मेन स्पोर्ट पे जा रहा हूँ। ये पहले ऐसा नहीं था, पहले बस आगे की तरफ ही था, पर अब यहाँ थोड़ा स्पोर्ट बना दिया गया है ताकि लोग अच्छी तरह से इंजॉय कर सके। और इसे और काम करने की ज़रूरत है इसमें। यहाँ पे तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बोटिंग आजकल शायद बंद है क्या, तो वहाँ जाके आपको हम। और मैं पहले सोचता था कि ना कि ये जो लेक है जिसे गंगा लेक भी कहते हैं, और मैं सोचता था बचपन में जब मैं छोटा था, जाने की बात हर कोई छोटा होता है, तो पर मैं भी छोटा ही था, तो मैं सोचता था जो पशुराम जी उन्होंने अपने फरसे से इसे खोदा होगा तब ये बड़ा सा झील बना होगा। बट कौन जानता है क्या कैसे हुआ, ये नेचर प्रकृति से बना हुआ है या आदमी द्वारा, पर यह आदमी द्वारा तो नहीं बनाया। तो ताई विदा ने तो इसे खोजा था, बट ये पहले से ही था। तो आगे की उसमें और भी कहानी है जो मैं थोड़ी देर में बताऊँ। और ये ऐसा जो कि मेन नज़ारा यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, ये पॉन्ड का आप पूरा 360 राउंड मार सकते हैं, लेकिन वो उधर से होके तो मैं उतना नहीं जाऊंगा। इस झील का पानी हमेशा ही ग्रीन रहता है। और ये कैसे रहता है पता नहीं, होता होगा कुछ। अगर आप देखे जाए तो पूरा ये मेरे पीछे जितना भी इतना बड़ा जो झील है, इसको पूरा आप एक राउंड मार सकते हैं, क्योंकि आप अगर अपने फैमिली के साथ आए तो इतना टाइम तो मिल ही जाता है, पर मैं इतना अब नहीं जाऊंगा क्योंकि थक जाऊंगा मैं इतना राउंड मारते। बस मैं आपको दिखाना चाहता कि यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है ये, और यहाँ मैं आपका बोटिंग की सुविधा और बतख के स्विमिंग का मज़ा लेते हुए बस घूमो। इन लोगों को तो ना बोट की ज़रूरत है, बस घूमते रहो। हालांकि बोट की सुविधा अभी थी यहाँ पे, बट अभी बंद है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि कुछ चीज़ जो थोड़ा हाई फाई कर देने से टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा यहाँ पे।
तो पता नहीं मैं ब्लूटूथ का साउंड यूज़ कर रहा हूँ, उससे ऑडियो क्वालिटी सही आ रही कि नहीं आ रही पता नहीं चल रहा, बट मैं बोले जा रहा हूँ और पता चला कि साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो पॉपआउट हो जाएगा। बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क भी है, बच्चे बूढ़े यहाँ पे अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। पार्क है और भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है यहाँ पे। गंगा लेक के बारे में कुछ लिखा है तो आप देख लो, बोर्ड पे लिखा है गंगा लेक पाबुम पारे डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश एरिया 6.9 हेक्टर से हेक्टर में फैला हुआ है ये। में भी बहुत सारे ऐसे स्पॉट है लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि कौन कैसा है, किस तरह से बेहतर किया जाए, कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, ऐसा चीज करना जरूरी है तभी टूरिज्म डिपार्टमेंट तरक्की कर पाएगा, ये मेरा कहना है, मानना है, बाकी सब बड़े लोग जानते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही शांत अनुभव हुआ, फिलहाल अकेला ही आया हूँ मैं, अभी भी अकेले में भी जो मज़ा है। आप अपने साथ कुछ कुछ खाने की चीज़ भी ला सकते हैं, आप यहाँ पे आप यहाँ पे पिकनिक भी मना सकते हैं, लेकिन अपना सामान जो मतलब रेडीमेड पिकनिक, क्योंकि यहाँ के खाना बनाना शायद अलाउ नहीं, तो रेडीमेड पिकनिक होता है ना, क्या टी पिकनिक या घर से जो बना के लाते, क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ गंदगी नहीं फैलाने का, क्योंकि गंदगी फैलाना बुरी बात, हम इंसान हैं, अपनी गंदगी खुद उठाना जानते हैं, तो गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं होता है। जो जो गंदगी फैलाते हैं वो तो क्या बोल सकते हैं, कच्ची भी मिले वो बड़ी हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, बेर है क्या, तो यहाँ पे कुछ डाक है जो यहाँ पे पता नहीं क्या गाना गा रहे हैं, क्या यार तेरे को भी ब्लॉग में आना है, आ जा आ जा आ जा आ जा, मैं कुछ खाने वाला लेके नहीं आया, मैं खुद नहीं खा रहा हूँ, जाओ जाओ जाओ, वन बाय वन, लीला सीला जीना मीना टीका, पता नहीं कौन कितने, ये उसका परिवार है। और कहानी में आगे बढ़ते तो जब ताईविदा को मिथुन जंगल में मिला तो ताईविदा बहुत ही अमीर हो गए थे उनके गांव में, तो सब उनको इज्जत करने लगे थे, सभी इज्जत करने लगे क्योंकि ऐसा मिथुन आज तक किसी को मिला नहीं था। तो फिर घर में उनके घर में कुछ फेस्टिवल रिचुअल्स करना था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जो जंगल में उन्हें जो मिथुन मिला उसको सेक्रीफाइस करने की सोची। तो जब ये बात मिथुन को पता चली तो जब ये बात मिथुन को पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ, तो वो अपने सारे बच्चों को लेकर रातों रात वो कहीं चले गए। तो जब ताईविदा जब सुबह उठ के देखा कि मिथुन तो है ही नहीं और सारे बच्चे भी नहीं, तो वे उन मिथुन के जो बच्चों के निशान थे उनका पीछा करते हुए करते 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 जो ताईविदा जो थे ना वो तो पीछा करते करते वो इस झील तक आ पहुँचे और इस झील पे आके वो निशान गायब हो जा, मतलब जब निशान को देखा तो इस झील के साथ में आके वो निशान जो गायब मतलब है ही नहीं, सुसाइड कर लिया टाइप। तो उन्हें बहुत दुख हुआ और बहुत ही खेद हुआ क्योंकि मिथुन ने उन्हें इतना सम्मान इतना दौलत दिलाए
और हताश होकर रह गए। और आगे की कहानी भी है, फिर किसी दिन, और इस तरह ये झील को मिला गया। आई होप कि आपको ये ब्लॉग और जो हमने एक्सप्लोरिंग की थी पसंद आया होगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर बाय चांस आप आ ही गए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूं। अभी मैं फ़िलहाल जीरो लेवल पे हूं, तो समझ सकते हो आप। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, फिर किसी और नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक टिल देन बाय। और अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, मास्क ज़रूर पहनना। हालांकि यहाँ में कोई नहीं था इसलिए मैंने तो नहीं पहना, तो